दुनिया में 600 से भी ज्यादा जहरीले सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से 200 प्रजातियां तो इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि वो पल भर में ही किसी की भी जान ले सकती हैं। स्नेक्स को अपने एग्रेसिवनेस और इंसानों पर अटैक करने के लिए जाना जाता है। भले ही आपने उन्हें छेड़ा हो या ना छेड़ा हो, तब भी ये आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो इनसे दूर रहना ही बेहतर है। आज इस वीडियो में आप आज तक के देखे गए सबसे बड़े साइज के सांपों के बारे में जानने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक के देखते रहना और नंबर वन पर जो स्नेक है उसे तो बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 5, येलो एनाकोंडा। ब्राजील के अल्टामिरा नाम की एक गुफा में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स धमाका करने की कोशिश कर रहे थे और जब उन्होंने वहां पर धमाका किया तब उन्हें वहां पर एक 33 फुट लंबा एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसका साइज आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एनाकोंडा का वजन 400 किलोग्राम था और इसकी चौड़ाई 16 इंचेस थी। इन वर्कर्स ने सांप को चैन में बांधकर एक क्रेन की मदद से ऊपर उठा दिया। ये सांप दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से किसी भी वर्कर को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई। नंबर 4, इंडियन पाइथन। मलेशिया के पेनांग आइसलैंड में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक 26 फुट लंबा सांप देखा गया। इस सांप को पकड़ने में आधे घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगा, लेकिन शुक्र यह है कि इस सांप को पकड़ लिया गया, नहीं तो पता नहीं है कितने लोगों को नुकसान पहुंचा था। इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बताया कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे सांप पकड़े हैं, इसलिए इन्हें अब सांपों से डर नहीं लगता। इन्होंने सांप को पकड़ने के लिए उसे कुछ चूहे खिलाए और पानी पिलाया और इस तरह से उन्होंने सांप को पकड़ लिया। नंबर 3, रेटिकुलेटेड पाइथन। रेटिकुलेटेड पाइथन साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये सांप साइज में बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा स्विमर भी होता है और अपने आसपास के आइलैंड पर यह तैरकर आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन 2011 में कैंसस सिटी मिजोरी से 25.2 फुट लंबा और 158 किलोग्राम वजनी सांप पकड़ा गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पाइथन की उम्र 10 साल के आसपास है। इस सांप को फुल मून प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया और इसे मेड्यूसा नाम दिया। यह सांप कैप्टिविटी में रखा जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसे खाने के लिए खरगोश, हिरन और हॉक्स दिए जाते हैं। नंबर 2, अफ्रीकन रॉक पाइथन। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि यह पाइथन अफ्रीका के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यह सांप बर्मीज पाइथन से भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि मगरमच्छ तक को निगल लेता है। इतने खतरनाक सांप को कैप्टिविटी में रखना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन कनाडा के एक अपार्टमेंट में इसे कैप्टिविटी में रखने की कोशिश की गई, लेकिन इस 20 फुट लंबे सांप ने वहां से भागने का रास्ता खोज निकाला और वहां पर रह रहे दो बच्चों के पास पहुंच गया। यहां पर 4 साल का नोआ और 6 साल का कॉर्नर रहता था। इस सांप ने इन दोनों बच्चों पर हमला कर दिया और अगले ही दिन ये दोनों बच्चे मरे हुए मिले। नंबर 1, कोंगो जायंट स्नेक। साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका से स्नेक काउंटर के ऐसे केस सामने आते हैं जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन यह केस बहुत ही हैरान कर देने वाला था। कर्नल रेमी वॉन लेयर्ड एक बेल्जियन पायलट थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स पायलट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 1959 में ये कोंगो नाम की एक जगह पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, तब उन्हें एक बहुत ही बड़ा सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इनके मुताबिक ये सांप 50 फीट लंबा था, जो कि आज तक के रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा सांप है। जब उनकी नजरें इस सांप पर पड़ी तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे करने की कोशिश की ताकि ये और इनके साथ वाले लोग सांप को देख सकें और उस सांप के कुछ फोटो भी ले सकें। जब ये लोग थोड़ा नीचे पहुंचे तो ये सांप 10 फीट की ऊंचाई तक के खड़ा हो गया और हेलीकॉप्टर पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से ये लोग बच गए और वहां से भाग निकले। जब एक्सपर्ट्स ने इस फोटो को देखा तब उन्होंने भी कर्नल की बात से एग्री किया कि ये सांप 50 फीट तक लंबा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको कॉमेडी वीडियोस देखने का शौक है तो आपको जेजी प्रोडक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर इस अमेजिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।